हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टडी तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होगा न्यू अपॉइंटमेंट्स 2023 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट में देखा जाए तो पूछा जाता है कौन अपॉइंट होते हैं ठीक है तो ये 23 का एकदम जनवरी से दिसंबर तक जितना भी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुआ है ठीक है तो सब भी जो एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट वही कवर करने चले ठीक है तो चलिए लास्ट तक जरूर देखना अगर सेशन को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू अपॉइंटमेंट जो कौन कौन हुए उसके बारे में सेशन को देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आज का तो क्वेश्चन नंबर वन हैज बिकम द फर्स्ट ओमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड के जो न्यू ओमेन चेयरपर्सन जो फर्स्ट ओमेन चेयरपर्सन बने वो कौन बने वो हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द के न्यू चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए तो हो जाएगा राजेश नामबियर को अपॉइंट किया गया है नाउ ने क्या है नेस्कॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ मार्च 1988 एटी एट हेडक्वार्टर हो जाएगा नोएडा एंड न्यू दिल्ली एंड वाइस चेयरमैन हो जाएगा सिंधु गंगाधरन ठीक है टोटल यहां पे इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री अपॉइंटेड appointed as the 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड तो कौन अपॉइंट हुए तो हो जाएगा राजेश राकेश पाल को अपॉइंट किया गया एज ए ट्वेंटी फिफ्थ डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रघुवर दास हैज हैजिन अपॉइंटेड एज ए न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट बाय रिप्लेसिंग गणेशी लाल कौन से स्टेट के गवर्नर बने बने उड़ीसा स्टेट के Next question question number five Who has been appointed as the new permanent representative of India to United Nations in Geneva? To kon appoint why? To be Arindam Bang appoint appointed as a new permanent representative of India to United Nations in Geneva. Very, very important. Thing. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बी आर ओ के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए तो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन वेज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो पीटीआई के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए तो के एन शांतो कुमार को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हो जाएगा न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई आरबीआई का मतलब क्या होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन अपॉइंट हुए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन बोला गया अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ चीफ ऑफ ऑफ द स्टाफ स्टाफ कौन अपॉइंट हुआ? तो हुआ है तरुण शक्ति ठीक है जो वाइस एडमिरल तरुण शक्ति को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ नवल स्टाफ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर तो कौन अपॉइंट हुआ कौन इलेक्ट हुआ यहाँ पे तो हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब ईडी ठीक है तो ईडी को सबको पता होगा इंपॉर्टेंट है तो किसको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू डायरेक्टर तो हो जाएगा राहुल नवीन को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या होगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट के ब्रांड एम्बेसेडर किसे अपॉइंट किया गया तो हो जाएगा सौरव गांगुली को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इंद्र सेना रेड्डी नल्लू न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट बाय रिप्लेसिंग सत्यदेव नारायण अरिया। तो कौन से स्टेट के न्यू गवर्नर बने बने त्रिपुरा स्टेट के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन के क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डैनियल नोबोआ हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कौन से कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने डेनियल नोबोआ तो बने इक्वेडोर के ओके नाउ कैपिटल क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा क्विटो एंड करेंसी हो जाएगा यूएस डॉलर नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर के न्यू कौन होगा? तो हो जाएगा अशोक वशवानी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बोला गया मोहम्मद मोइजू हैज बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री कौन से कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए जो मोहम्मद मोइजू तो हो जाएगा मालदीव्स के कैपिटल क्या होगा मालदीव्स का तो हो जाएगा माली एंड करेंसी हो जाएगा रुपया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से पूछा जाता है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटीन नंबर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम डी ऑफ एस बी आई फॉर टू ईयर्स तो कौन एम डी बने मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बने एस बी आई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हो जाएगा बिनॉय टोन्से को बिनॉय टोन्से को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स तो कौन होगा तो so, हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड का कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ तो हो जाएगा रजनीश कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर क्या बोला गया अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया मतलब सी बी सी ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए तो हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वो एज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल का कौन अपॉइंट हुआ चेयरमैन तो हो जाएगा सिद्धार्थो तो मोहंती ठीक है यहाँ पे जितना भी जो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ना ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो जो एग्जाम आने वाला है ठीक है जो जो जैसे कि सी जी एल ओ सी एच ठीक है तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रिसेंटली जो सी एस आई आर का एग्जाम होने वाला है फेवरेट में सी एस आई आर भी बहुत ही ठीक है सी एस आई आर के लिए भी जरूर देख के जाना इंपॉर्टेंट होगा ये ठीक है ये सभी जो अपॉइंटमेंट है सब भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए ठीक है अदर जो अदर जो यूपीएससी लेवल का हो एग्जाम हो अदर सी डी एस एग्जाम हो स्टेट लेवल एग्जाम हो सब में पूछा जाता है जो जो न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री का जितना भी अपॉइंटमेंट्स होगा सब भी कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर वो एज बिन रीअपॉइंटेड एज द एम डी सी ई ऑफ एच डी एफ सी बैंक तो कौन हो जाएगा कौन, किसको रीअपॉइंट किया गया तो हो जाएगा शशिधर गंग शशिधर जगदीशन को रीअपॉइंट किया गया एज द एम डी सी ऑफ एच डी एफ सी बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रमिला मलिक हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमन स्पीकर ऑफ विथ स्टेट असेंबली तो कौन से स्टेट असेंबली हो जाएगा उड़ीसा स्टेट असेंबली हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू डेपूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई के न्यू डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए तो एस जन किरमान को किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो टॉक आरबीआई के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव नंबर इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ फॉर फोर इन टर्म ऑफ ट्वेंटी सेवन किसको किया गया तो अब्दुल्ला अल मंदोस को किया गया जो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं वो भी पूछा जा सकता है तो यू ए से हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर बोला गया हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो एनजीटी का न्यू चेयरमैन कौन होगा तो हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नाउ एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा एनजीटी का तो यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर 2010 एंड हो जाएगा दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर बोला गया वो एज बिन रीअपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में सोलिसिटर जनरल कौन है हमारे तो ये हो जाएगा तुषार मेहता नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट नंबर बोला गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तो कौन होगा तो हो जाएगा मनोज यादव नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का कौन हो जाएगा यहां पे न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल तो हो जाएगा मनीष देसाई नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर ज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है सीबीआई तो कौन होगा सीबीआई का न्यू डायरेक्टर तो इंपॉर्टेंट होगा थर्टी वन नंबर बोला गया डेविड कैमरॉन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज बिन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फॉरिन सेक्रेटरी तो कौन से तो कौन, कौन से कौन से कंट्री हो जाएगी यहां पर तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का जो डेविड कैमरॉन हो जाएगा यूके से बिलोंग करता है नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बोला गया वो एज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बासिडर कौन होगा एम एस धोनी को किया गया एस्टैब्लिशमेंट एस बी आई का ई का स्टैब्लिशमेंट हुआ है फर्स्ट ऑफ जुलाई नाइन फिफ्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडक्वार्टर मुंबई एंड फॉर्मर नेम क्या था यह भी पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया सर्वेयर जनरल तो हो जाएगा हितेश कुमार मकवाना को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रॉबर्ट फीको है इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर बने रॉबर्ट फीको तो ये बने के. तो कौन होगा तो पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हैज बिन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईटीबीपी का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुआ तो आई टी बीपी का न्यू डायरेक्टर जनरल हो जाएगा अनिस दयाल सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बीन अपॉइंटेड एज द एम डी सी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी किसको अपॉइंट किया गया एमडीसीटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी तो इसको आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी दीपेश नंदा को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एट नंबर डब्ल्यू एच ओ रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तो कौन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइमा को किया गया जो कौन से कंट्री से बिलोंग करते तो हो जाएगा बांग्लादेश के बांग्लादेश हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हैज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द आई आर सी को सबको पता होगा तो so, आईआरसीटीसी का न्यू चेयरमैन एमडी कौन हो जाएगा संजय कुमार जैन हुआ है न्यू एमडी सी चेयरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वनवाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक कौन से बैंक के न्यू एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हर्ष कुमार वनवाला तो बने एच डी एफ सी बैंक के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बोला गया हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है तो डब्ल्यू एफ आई का कौन अपॉइंट हुआ है न्यू चीफ तो हो जाएगा यहाँ पे संजय सिंह को अपॉइंट किया गया है ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay? नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर हैज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी फिकी वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से ठीक है तो फिकी का कौन होगा प्रेसिडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश शाह को किया गया है नाउ एस्टैब्लिशमेंट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन हो जाएगा 1927 हेड क्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली 1927 एस्टैब्लिशमेंट डेट को याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 हु वो बीन बिन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कौन हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है नाउ ट हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड ट्वेंटी फिफ्थ सी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा राजीव कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ठीक है तो कौन हो जाएगा तो दीपेश नंदा को किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो न्यूली अपॉइंटेड हुआ है ये भी important तो कौन होगा हीरा लाल समरिया को किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए ठीक है जितने सारे यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट दिए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट में से सभी एग्जाम होगा ठीक है रिसेंटली जो सी एस आई आर एग्जाम आने वाला उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ओके एंड अदर जो एग्जाम है एस लेवल के एस एस सी सीजीएल सी एच एस होने वाला है ठीक है दिल्ली पुलिस के एग्जाम है तो सब भी में इंपॉर्टेंट होगा तो जरूर इस सेशन को देखिएगा, अगर सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर शे, सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए